चलो तो अपने को ये क्वेश्चन में देखना है, साइन माइनस 11π/3 का वैल्यू लाना है। तो आप एक तो इसको रेडियन में रख के सॉल्व कर सकते हैं या तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करने से पहले अपन क्या करेंगे, ये पहले रूल अप्लाई करेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो इसका जो माइनस साइन है गायब कर लो, पीछे शिफ्ट हो जाएगा 11π/3। अब इसके बाद आप लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिग्री में कन्वर्ट करो, 11π/3 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई पाई कट, तो यह आ जाता 660 डिग्री, साइन 660। अब क्या करना, 660 को 720 माइनस 60 भी लिख सकते हैं आप। यस सर, तो 720 माइनस 60, सेवन ट्वेंटी माइनस सिक्सटी का मतलब है कि आप लोग देखते हैं तो ये ऐसा आ रहा है, देखो ये पूरा वन रोटेशन मतलब 360 डिग्री, और एक रोटेशन आप करते हैं कंप्लीट तो 720 डिग्री हो जाता है। तो 720 डिग्री माइनस 60 कर रहे हैं आप, मतलब वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आ रहा है, साइन आ रहा है। तो साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो याद रखना आपको माइनस साइन बाहर भेज देना है और साइन 60 ऐसा लिखना है, मतलब आपको एक फॉर्मूला मिला, साइन 20, साइन 720 माइनस 60 कितना आया, माइनस साइन 60। क्यों आया रीज़न, इसके पीछे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने की वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव रहता है और माइनस साइन 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 60 आंसर आ जाएगा, ये कितना आ रहेगा, √3/2।